दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से नए वीडियो के साथ मैं आप सभी के सामने हाजिर। देखिए, ऐश्वर्या राय जो है हाल फिलहाल में काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है। हालांकि वो अपनी मूवीज को लेकर अक्सर सुर्खियों में जरूर रहती है और जिस तरीके से उनकी मूवी जो है बॉक्स ऑफिस पर लगातार धमाल मचा रही है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, PS 2 की हम बात कर रहे हैं जो कि बॉक्स ऑफिस पर लगातार तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ रही है। अगर अब तक के कलेक्शंस की बात कर ली जाए तो 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद जो है, जैसे ही इस मूवी के जब गाने रिलीज हुए तो उसके बाद एक कंट्रोवर्सी यहाँ पर सामने आ चुकी है। अब आपको बताते चले कि वीरा वीरा गाने को लेकर यहाँ पर कंट्रोवर्सी है। हालांकि मेकर्स पर कई तरह के आरोप लगे हैं। कहना ये है कि इस मूवी या पर इस मूवी का जो सॉन्ग है उसे चोरी किया गया है। लेकिन अभी तक मेकर्स की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। लेकिन यहाँ पर कुछ यूज़र जो हैं वो सोशल मीडिया पर लगातार कमेंट कर रहे हैं, कह रहे कि किसी की सक्सेस जो है अगर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती है तो सक्सेसफुल इंसान हो जाता है तो लोग उसे सह नहीं पाते हैं। और यही रीज़न है कि PS 2 जो है जब अच्छे से काम कर रही है और अच्छा रिस्पॉन्स उनको जनता का मिल रहा है और इसीलिए अब चोरी का आरोप लगा है। इससे पहले ये आरोप क्यों नहीं लगाया गया था, इस तरह के बयान भी अब सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई भी मेकर्स की तरफ से बयान सामने नहीं आया है। और ऐश्वर्या की ये मूवी जिसमें ऐश्वर्या ने बेहतरीन अपने किरदार को निभाया है, आपको बताते चले कि अगर अब तक की कमाई जो है वो काफ़ी अच्छी रही है। लेकिन अचानक ही फिल्म पर जिस तरीके से मुसीबत हुई है और कहा ये जा रहा है कि आने वाले समय में जो है और यहाँ पर तलवारें भी लटक सकती हैं। हालांकि अभी तक वीरा वीरा सॉन्ग को लेकर जो कॉन्ट्रोवर्सीज है, अगर आपको बताते चले कि इस गाने को लेकर धूपेंद्र सिंगर उस्ताद वसीफुद्दीन डागर का कहना है कि वीरा वीरा की धुन बिल्कुल वैसी है जैसे उनके पिता ने वहाँ पर गाया था एक गाने को और बिल्कुल उसी तरीके से है, शिव तुर्थी की ही है और यहाँ पर चोरी की गई है। और इसे इसको लेकर वो उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले समय में एक्शन भी ले सकता हूँ। हालांकि आपको बताते चले कि अब देखने वाली बात यही होगी कि मेकर्स की तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिलता है, मेकर्स का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन अभी तक ऐश्वर्या का भी कोई भी बयान सामने नहीं आया है। आपको हम पलवल के अपडेट देते रहेंगे फिलहाल तमाम जानकारी के लिए और जिस तरीके से हमने आपको अपडेट दिया है। और आप क्या सोचते हैं इस पर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।